हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंद। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्लोरेशंस ऑफ सीवी 2007-2447, जो कि है हमारा सामा कार्ड, जो कि आपके वर्जन चलता है 3.0 3.025 RC3 तक, जहां पे ये अलाउ करता है रिमोट अटैकर्स को टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड शेल्स। सो यहाँ पे मल्टीपल वेज है, आप इसको मैनुअली भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको गिटहब पे मल्टीपल POCs मिल जाते हैं। बट आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप मेटा एक्सप्लोर के थ्रू कैसे इसे सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एनमैप स्कैन किया। सो एनमैप स्कैन करने पे मुझे यहाँ पे सांबा का वर्जन दिखता है, विच इज 3.0.20, दैट्स मीन इट्स वल्नरेबल। एंड यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर लेते हैं MSF कंसोल। सो यहाँ पे मैंने मेटा एक्सप्लोर स्टार्ट किया। नाउ मेटा एक्सप्लोर स्टार्ट करने के बाद पे यहाँ पे आपको सर्च करना है अबाउट द वल्नरेबिलिटी। सो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ सांबा का वर्जन डाल के भी, या फिर मैं डायरेक्ट CVE डाल के भी यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ। सो सर्च करने पे मुझे एक्सप्लोइट मिलता है, एक्सप्लोइट मल्टी सांबा यूजर मैप स्क्रिप्ट का, जो कि 2007 का डिस्क्लोजर डेट है। एक्सीलेंट नो एंड सांबा यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट कमांड एग्जीक्यूशन एंड ऑल। सो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोइट की डिटेल्स आ गई। नाउ मैं इसको यूज करता हूँ, सो यूज 0। सो जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 0, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 0। सो यहाँ पे करके एंटर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लोइट एड हो चुका है। नाउ आप यहाँ पे शो इन्फो करके इस एक्सप्लोइट के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ ऑप्शंस ही चेक करने हैं, सो यू कैन यूज ओनली शो ऑप्शंस। सो शो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपके पास आता है आरपोस्ट, दैट्स मीन आपका टारगेट आईपी। सो टारगेट आईपी है मेरा 10.10.10.3। सो सेट आरपोस्ट एंड 10.10.10.3। नाउ आर पोर्ट मेरा 139 ही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सांबा इसी पोर्ट पे चल रहा है बाय डिफॉल्ट। एंड एल होस्ट मुझे आईपी चेंज करनी है, सो सेट एल होस्ट जो भी आपका आईपी एड्रेस है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ 10.10.16.17। पोर्ट नंबर अभी इसको 444 ही रहने देते हैं, इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है सो हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। नाउ सारी चीज एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ पे रन भी लिख सकते हैं, एक्सप्लोइट भी यूज में ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ रन। सो स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर ऑन IP एंड पोर्ट। उसके बाद पे आपके पास आता है कमांड शेल सेशन 1 ओपन। सो यहाँ पे आपके पास कमांड शेल ओपन हो चुका है। नाउ आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ हु एम आई, सो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाता है रूट। या मैं करता हूँ लिस्ट ls, सो यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं मेरे पास फोल्डर्स की डिटेल। नाउ अगर आप CTF कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में जाके या फिर होम डायरेक्टरी में जाके आप CTF को फ्लैग निकाल सकते हैं। अगर आप पेंटेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ का आप प्रॉपर POCs क्रिएट करके आप सबमिट कर सकते हैं कि आपने कैसे सांबा को एक्सप्लोर किया है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।